सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम, टॉपिक है बेटा हमारा शब्द रूप प्रकरणम, यानी आज हम शब्द रूप पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, संस्कृत व्याकरण में शब्द तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला नाम, दूसरा धातु और तीसरा है अव्यय। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाम। नाम के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, अब देखो बेटा, संस्कृत में वचन, संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं। पहला एकवचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। एकवचन किसे कहते हैं? जिसमें एक का बोध हो, एकवचन, जैसे एक बालक। ठीक है, द्विवचन जिसमें दो का बोध हो, द्विवचन, जैसे दो बालक। बहुवचन जिसमें दो से अधिक या तीन का बोध हो, बहुवचन, जैसे अनेक बालक या तीन बालक। इसके बाद आता है बेटा लिंग। संस्कृत में लिंग भी तीन होते हैं। कितने लिंग होते हैं? तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। सबसे पहले आता है हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग और जिसमें स्त्री जाति का बोध होता हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसक लिंग जिसमें न पुल्लिंग का न स्त्रीलिंग का, यानी इन दोनों से अलग, यानी कि जो निर्जीव है, उसे क्या कहते हैं? हम नपुंसक लिंग कहते हैं। अब बेटा आता है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दोष, जाति आदि का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। यथा राम, पुस्तक, जयपुर आदि। अब बेटा यहाँ पर देखो, राम, राम क्या है? यहाँ पर किसी व्यक्ति का बोध हो गया है, पुस्तक किसी वस्तु का बोध हो गया है, और जयपुर किसी स्थान का बोध हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है संस्कृत में संज्ञा शब्द। इसको रफ कर देती हूँ। संस्कृत में संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं, ठीक है, पहला है अजंत। पहला क्या है? अजंत। अजंत जिन शब्दों के, लिखो, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है, स्वर होता है, ये अजंत कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है, ये अजंत कहलाते हैं, उन्हें स्वरांत भी कहते हैं, उन्हें स्वरांत भी कहते हैं, उन्हें स्वरांत भी कहते हैं। यथा जैसे, जैसे राम कवि, साधु, वधु आदि। ठीक है, जैसे राम कवि, साधु, वधु आदि। अब यहाँ पर देखो बेटा, राम के मैं में क्या है? अंतिम वर्ण है ना मैं। अब इस मैं में क्या है? ए। आगे क्या है? कवि। कवि के अंतिम वर्ण वी में क्या है? ई। यहाँ साधु का अंतिम वर्ण क्या है? धू। धू में क्या है? छोटा ऊ। और यहाँ वधु, वधु के
धूमे क्या है, बड़ाऊ। ठीक है, इस प्रकार से इनमें इनमें ई ए ई ऊ और बड़ाऊ ये स्वर अंत में है, अंत में है। अतः ये अजंत, अतः इन्हें अजंत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा हमारा हलंत, दूसरा आता है हमारा हलंत। जिन शब्दों के अंत में हलंत होता है, हलंत जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है, व्यंजन होता है, उन्हें हलंत कहते हैं। यथा राजन, मरुते, वणिज। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो बेटा, राजन जो शब्द है इसमें न के अंत में क्या लगा हुआ है, हलंत। मरुत जो शब्द है इसमें त के क्या लगा हुआ है, हलंत। इसलिए ये क्या हो गया, यानी व्यंजन वर्ण है। जिस व्यंजन वर्ण के हलंत लगा हुआ होता है वो हलंत ही कहे जाते हैं। वणिज, वणिज के अंतिम वर्ण में क्या लगा हुआ है, हलंत। ठीक है, इसलिए जय व्यंजन वर्ण है और इसके हलंत लगा हुआ है, इसलिए ये हलंत कहलाए हैं। ठीक है बेटा, आज हम यहाँ तक ही पढ़ाएंगे, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।